सरकार किसकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसमें आरोप बना दिया कि दौरे पर चले हैं उत्तर प्रदेश के, इस दौरान तमाम होते हुए और लखनऊ पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आपको बता दें कि उन्नाव के असगर के पास में रेलवे फाटक पर एक ट्रक फिलहाल फंस गया। इस ट्रक के फंसने के बाद में आपको बता दें कि जैसे ही वहाँ पर रेलवे फाटक पर यह ट्रक फंसा है, जो बचरी थी उसके बीच में फंस गया और जिसके बाद में पुलिस वालों के होश उड़ गया। फिलहाल इस सब के बीच में आपको बता दें कि तमाम जो पुलिस जो वाले जो थे वहाँ पर वहाँ पर इकट्ठा होकर जो लगा के हिंसा का नारा लगाते हुए ताका लगाते हुए उसको हटाने की कोशिश में लग गए। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे के बाद में ये बताया जा रहा है कि ट्रेन को समय के लिए लेट भी हो गई, लेकिन जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ उसमें लेकर तमाम सवाल इंसान भी जरूर उठते हैं कि क्या उस समय पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखना जरूरी नहीं हो जाता था, जहां से राष्ट्रपति की ट्रेन गुजर रही हो और वहां पर इस तरीके से अगर वहां पर जो पटरी के जो हालात थी वो ख़राब थी उसको दुरुस्त किया जाना था। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर छानबीन चल रही है, जाँच चल रही है कि आखिर ये क्यों हुआ और किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रपति इस दौरे पर है, लखनऊ फिलहाल पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद में तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए आगे की तरफ और हादसा तय करेंगे।